मनीरगिन, आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ इस बारे में कि आपकी जो पेस्ट है उसकी कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए। ये थोड़ा सा ज़रा टेक्निकल लेसन होगा, इसको आपको बस ध्यान देना होगा, गौर से देखना है कि इसमें आपको करना क्या है। ये वो पेस्ट है जो आपको भिजवाई गई है, ठीक है। इसमें आपने इस पेस्ट को बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं लेना, ये आप देख लें। और ये वो नाइफ है, नंबर 3 नाइफ, जिस जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है इसमें। आपने अगर ये एक नाइफ, ये जितना भी आप समझ लें, 2 टाइम्स कर लें अगर आप ये ले रहे हैं। और इसको आपने, मैं थोड़ा सा इसमें वाइट डालूँगी, मैं हमेशा पहले वाइट ज़रूर डालती हूँ। अगर तो कोई और कलर के फ्लावर्स अगर ब्लैक हैं या डार्क हैं तो फिर मैं नहीं डालती, अदरवाइज़ जितने भी लाइट कलर के फ्लावर्स हों या लीव हो तो उसमें वाइट में थोड़ा सा ज़रूर ऐड करती हूँ, इससे जो पेस्ट है ना वो काफ़ी स्मूथ हो जाती है। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन दे रही हूँ ताकि ये आपके वीडियो में आपके नज़र आ जाए, क्लियर हो जाए। अच्छा, ये मैंने क्या दिया, ये प्लास्टिक का कवर है, ये डिस्पोजेबल बॉक्सेस होते हैं इसका कवर है, नहीं है ट्रे ले लें। मैं टाइल में मोस्टली काम करती हूँ, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपके पास टाइल नहीं है, जो कुछ लड़कियों को प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसमें क्या होगा कि आप कोई प्लास्टिक का कंटेनर ले लें, डिस्पोजेबल कुछ भी ले लें, उससे ये होगा कि आपका जो वर्क है उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो टाइल पर ही काम करना चाहिए, किसी भी जगह पर कर सकते हैं। ये सोडा और बेकिंग पाउडर का मिक्सचर मैंने पहले से ही बना के रख लिया है। अब आप ये देखिए, मैंने थोड़ा पाउडर डाला है और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। कंसिस्टेंसी ज़्यादा हो जाए हार्ड होना शुरू हो जाता है, हार्ड हो जाए तो उसका यही सलूशन है कि आप ग्लू डाल लें, सॉफ्ट है तो उसको हार्ड कर लें। तो बस इतना होना चाहिए कि आपका जो लीफ है या कोई भी आपका पेटल बना रहे हो वो फॉल ना करें, बस इतनी इस चीज़ का ख्याल रखना, और तो इसमें कोई उसमें वो नहीं है, साइंस कोई भी नहीं है। ये बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट बन गई है और मेरा पर तकरीबन फ़ैन भी चला हुआ है। सर्दियों में होता है कि आपने चलो फ़ैन लगाया है, फ़ैन ही लगाया हुआ तो आपका थोड़ा सा ज़्यादा ड्राइंग ड्यूरेशन उसका ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन गर्मियों में चूँकि अगर फ़ैन ऑन है तो फिर आपका ये जल्दी ड्राई होना शुरू हो जाता है। अब ये देखें, मेरी जो पेस्ट है थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड हो गई है, इस सेंस में कि मेरा पाउडर पार्ट ज़्यादा हो गया। अगर आपको लग रहा है कि आपका पाउडर पार्ट ज़्यादा हो गया है तो आप ग्लू डाल लें। इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वैसे अभी मुझे लगता है ठीक है, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, इतनी है कि इजीली उठ रही है। दूसरी चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है कि आपकी नाइफ साफ़ होनी चाहिए हर वक्त। समर है तो आप इसको वेट टॉवल या वाइप, कुछ ऐसी चीज़, कोई गीला कपड़ा इसके ऊपर डाल दें। अगर आपको लगता है कि मैंने ज़्यादा मिक्स कर लिया है और वो ड्राई होना शुरू हो गया तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें मेरी पेस्ट की कंसिस्टेंसी आप चेक करें। अगर मैं इसको उठाती हूँ वैसे ही लाइक ऐसे, तो ये मेरी पेस्ट गिरेगी नहीं, इतनी होनी चाहिए कि अगर आपका इतना हार्ड हो कि ये अगर आपकी पेस्ट किसी भी शेप में आप इसको कर रही हैं तो वो शेप चेंज नहीं करेगी। जैसे ये है तो ये गिर नहीं रही है, ये देख लें आप। बहुत वेट होगा तो ऑब्वियसली गिरेगी, लेकिन नॉर्मली ये अपनी शेप चेंज नहीं कर रही है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ जिसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपकी नाइफ हर वक्त साफ़ होनी चाहिए, और नाइफ़ को बार बार साफ़ करने का तरीका यही है कि आप एक वेट टॉवल या कोई भी ऐसा वेट क्लॉथ अपने पास रख लें जिससे आप अपनी नाइफ़ को बार बार साफ़ करेंगे। हर स्टेप में आपने अपनी नाइफ़ को साफ़ करना है। जैसे ये मैंने वेट टॉवल रखा है, आप इसको साफ़ करना है और इसको इसी के लिए रख दें, ये वॉश हो जाता है ईजिली, गीला होता है, आप इसको सोक कर लें ओवरनाइट और नेक्स्ट डे इसको वॉश कर लें। अच्छा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी, और ये मैंने पेस्ट आपके सामने बनाई है और अभी तक मेरी ये पेस्ट बिल्कुल हार्ड नहीं हुई है, ये उसी स्टेज पे है जो मैंने अभी फर्स्ट, मतलब कि जितनी इसकी मैंने हार्डनेस और कंसिस्टेंसी रखी थी ये उसी स्टेज पर है। ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन से हार्ड होना शुरू हो जाए, इतनी जल्दी हार्ड होना शुरू होता है तो काम तो होगा ही नहीं ना। अच्छा, उसमें सबसे पहले मैंने अपनी नाइफ़ को साफ कर लिया बिल्कुल। अब फर्स्ट स्ट्रोक में आपको जो फर्स्ट स्ट्रोक है जिसकी प्रैक्टिस आपको सबसे पहले करनी है वो ये है कि आप एक साइड से पेस्ट लेना शुरू कर दें। जब आप पेस्ट एक साइड से लेना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली नेचुरली दूसरे साइड से पेस्ट निकलना शुरू हो जाएगी, इसकी बैक साइड कुछ इस तरह से होगी।
और ये चीज़ आपके लिए आपके हर प्रोजेक्ट में होगी। मैं थोड़ा सा इसको फोकस कर लेती हूँ ताकि आपको और नज़र आ जाए। अच्छा, आप जितनी पेस्ट लेती जाएंगी, ठीक है, और आपकी जो लेफ़्ट साइड है ये बढ़ती जाएगी और इस पर एक खास स्ट्रोक्स आएंगे, यानी कि आप जितनी दफ़ा इसको उठा रही हैं वो उसकी वो वेव यहाँ पर बनती जाएगी। ये देखिए, आप ये देख रहे होंगे, नज़र आ रही है आपको, ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर आप इसको ऐसे थोड़ा सा स्प्रेड कर लें और लेते जाएं, तो ये आपका पेटल स्ट्रोक है जो आपका, जब आप इसको किसी भी सरफेस पे इसको उतारेंगी तो ये आपका स्ट्रोक ऐसे आ जाएगा। अब आपने किस तरह से उठाना है, ऐसे हो कि यहाँ से ये इसको साथ ही मीट कर लें। ये आपका लेफ्ट पेटल स्ट्रोक है, ठीक है। अब मैं आपको राइट साइड का स्ट्रोक बनाना बताती हूँ कि वो कैसे बनाना है। इसको दोबारा से साफ करें नाइफ को, ठीक है, इसको यूँ स्प्रेड कर लें पेस्ट को। अब मैंने पेस्ट ली, अब ये देखिए यहाँ पर मैंने जब पेस्ट यहाँ से लिए तो मेरी ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं दूसरी डायरेक्शन से पेटल को निकालने लगी। बस ये ख्याल रखें कि आपकी जो पेस्ट है आपकी नाइफ के यहाँ तक हो। इससे अगर आप ऐसे यहाँ से लेंगी तो आपका यहाँ से, अगर आप लाइक अगर आप आपने जब भी नाइफ के पेस्ट को उठाना है तो ये लेवल नाइफ का और आपकी पेस्ट का लेवल बराबर हो। अगर आप यहाँ से पेस्ट उठाएंगी ना तो आप जब उठाते उठाते आपकी यहाँ से जो पेस्ट की जो शेप है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से क्रम्बली सा और एक ऐसा इफ़ेक्ट आएगा जो नीटनेस नहीं आपको देगा। लिहाजा आप कोशिश करें कि या तो इसके बराबर या इसके नाइफ़ के यहाँ से ये पेस्ट का लेवल होगा। ये पेस्ट का लेवल नहीं होगा इक्वल या लेस देन दैट होगा, ठीक है। ये मेरी काफ़ी पेटल काफ़ी बड़ी हो गई है। अब मैं इसको ये पेटल को यहाँ पर रख लूँगी। अच्छा, इसको मैं शेप भी दे सकती हूँ, लाइक अगर मैंने इसको थोड़ा सा कर्ली करना है या कर्वी करना है तो ये आपका। और मैंने आप नोट करें तो मैंने इसको किसी तरह से भी अपनी फिंगर से नहीं इसको मैंने प्रेस करके शेप दिया। ये आपका राइट स्ट्रोक और ये लेफ्ट स्ट्रोक। ये अभी मैं पेटल की बात करी, अभी मैं लीफ पे नहीं आई हूँ, ठीक है ना। सेम लीफ के लिए भी वही तरीका है, ये मीडियम पेटल्स हैं। अच्छा, अब मैंने मैं दोबारा से बताती हूँ, अगर बहुत बड़ी है लार्ज पेटल देनी है तो उसका क्या तरीका है। अगर मैंने यहाँ से पेस्ट उठा रही हूँ तो आप ये देखें कि मेरी ये शक्ल या ये शेप जो लीफ की है वो नीट नहीं है, तो आप इसको नीट कर लें, लाइक आपके पास स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अब जब आप इसको यहाँ से उठाना शुरू करेंगी तो आपकी ये देख लें, ये बहुत स्मूथ गोल सी पेटल बनती जाएगी। और अगर आपको लग रहा है आपकी पेस्ट ड्राई हो रही है तो आप इसमें ग्लू पार्ट ऐड करें। जैसे अगर मुझे फीलिंग आ रही है कि मेरी पेस्ट ड्राई हो रही है, अभी तो नहीं हुई, लेकिन मैं इसमें ग्लू डाल लूँगी। इस तरह से इसको उठाते जाएं, जितना इसको उठाते जाएंगे आपकी जो पेटल है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, समझ आ रही है आपको। देखिए ये बिल्कुल कर्व हो गया और ये पेटल बढ़ती जाएगी। इट डिपेंड्स कि आपने इसको कितनी बड़ी पेटल बनानी है, तो आप इसमें ये ऐड करते जाएंगे और ये बिग साइज जंबो पेटल बन गई आपकी ऐसे, ठीक है, समझ आ गया आपको। ये छोटी पेटल बनी थी, ये बड़ी, जितना मर्जी आप इसको उठाते जाएंगे तो पेटल्स बड़ी होती जाएगी। सेम इज़ द केस विद द राइट साइड पेटल, उसमें भी आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है। अब मैं आती हूँ लीफ पे, मैं दोबारा से पेटल्स आपको दें। लीफ पे मैं इसलिए थोड़े से बाद में आई हूँ क्योंकि इसमें टू साइड पेटल्स को आपने उठानी है। जैसे आपने अगर बास पेटल होती है जो वन बिग पेटल होती है, जैसे ये तो होगी ना हाफ पेटल्स, अंदर की इनवर्ड पेटल्स होगी, लेकिन आपने जो बाहर एक्सटीरियर पेटल्स या बड़ी पेटल्स या बिल्कुल एंड की पेटल्स बनानी है तो उसमें ज़्यादातर पेटल इस शक्ल की चलती है। यानी कि ये दो पार्ट्स आप मिला लें राइट और लेफ्ट ऐसे, इसको सेंटर से नाइफ से ही स्मूथ करें, कोशिश करें कि फिंगर ज़्यादा ना लगाया करें, तो ये आपके पास एक वन बिग पेटल आ गई। अच्छा, इसको उठाने का तरीका होता है ऐसे भी नहीं उठाना, ऐसे भी नहीं उठाना, कोशिश करें इसको राइट या लेफ्ट से उठाएं। अगर मैं यहाँ से उठाती हूँ तो पेटल डी शेप नहीं होती। और इसको उठाने का ये तरीका नहीं है कि आपने इसको एकदम से छोड़ देना, ये गिर भी सकती है और अपनी शक्ल थोड़ी सी चेंज भी कर सकती है। तो आप इसको यहाँ से यूँ स्टैंडिंग पेटल, अभी इसके पास सपोर्ट नहीं है तो ये गिर सकती है क्योंकि ये थोड़ी हैवी पेटल है,
लेकिन जब आपके पास साइड पेटल की सपोर्ट होगी तो ये खड़ी रहेगी इसी तरह से, ठीक है, आपको समझ आ रही होगी, लाइक दिस। इसके बाद मैं आती हूँ लीफ पे, लीफ का राइट स्ट्रोक और लेफ्ट स्ट्रोक पेस्ट। अगर आपको लग रहा है कि मेरी कैप की पेस्ट हार्ड हो रही है तो आप थोड़ा सा ग्लू ले लें और इसमें डाल लें। इसमें कोई इतना इशू तो नहीं है कि ये हार्ड हो रही है तो क्यों हार्ड हो रही है, और ड्राई हो रही है तो क्यों ड्राई हो रही है। तो ज़ाहिर एक पेस्ट है, उसने अपने एक टाइम पर ड्राई होना ही होना है। ये देख लें बिल्कुल वापस अपनी वापस स्मूथनेस पे आ गई, बल्कि ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। तो बस अपने टच ऑफ ग्लू देना है तो आप इसे सॉफ्ट कर लें, हार्ड करना है पाउडर डालें, सॉफ्ट करना है ग्लू डालें, इसमें कोई इतना वो मुश्किल काम तो है नहीं। अच्छा, इसके बाद ये नाइफ को मैं साफ करूँगी वेट टॉवल से, के बाद इसको मैं सपोर्ट दे सकती हूँ। फिलहाल ये तो गिरेगी क्योंकि अभी इसके पास सपोर्ट नहीं है। अच्छा, लीफ के लिए, लीफ को मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपने यहाँ से पेस्ट उठाई, जब आपने पेस्ट उठाई आपने देखा कि मेरे पास एक अजीब सी शक्ल यानी कि अन ईवन सी पेस्ट बन गई है, तो मैं इसको पहले यहाँ से नीट कर दूँगी। नीट करने के बाद आपने इसी पेस्ट को उठाना शुरू कर दिया, छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेने, छोटे छोटे स्ट्रोक्स ऐड करते जाएंगे और आपका जो यहाँ से पेस्ट है वो निकलना शुरू हो जाएगी। आपकी बैक साइड इसकी चेक कर लें, ये बिल्कुल लीफ हाफ लीफ ही बना हुआ है। इसके बाद आप इस लीफ को यहाँ उतार लें, ठीक है, इसी को बड़ा करेंगी तो पेटल बन जाएगी। सेम स्ट्रोक है ये लेफ्ट स्ट्रोक, और इसी तरह से अब मैं राइट स्ट्रोक की तरफ आती हूँ। ये लाइन नीट करें, उसको आप उंगली से करें, देखिए मैं उंगली से कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ से पेटल उठाना शुरू कर दें और जूँ पेटल उठा के, सॉरी लीफ हाफ लीफ उठा के यहाँ पर ये रखते हैं, और जो एक्स्ट्रा है उसको साफ कर दें। नाइफ़ को साफ करें, हर दफ़ा नाइफ़ को साफ करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपने इसको यूँ नहीं उठाना ना यूँ उठाना है, आपने इसको राइट से उठाया और इसके साथ कंबाइन कर दिया। कंबाइन करके आप इसको या तो उंगली की सपोर्ट से इसको नाइफ को निकाल लें, या दूसरी नाइफ की सपोर्ट से इसको निकाल लें ऐसे करके, ठीक है। ये हमारे पास परफेक्ट लीफ बन गया। अब लीफ की आप शेप दे दें। शेप देने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये पेंटिंग ब्रश होते हैं ना, ये नॉर्मल पेंटिंग ब्रशेज होते हैं, इससे भी शेप दी जाती है। इसको थोड़ा सा वेट करके इसको हम सेंटर से स्मूथ भी कर लेते हैं, ज़रूरत है तो करें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है तो इसको छोड़ दें। अच्छा, अब मेरे पास ये फ्रंट है या ये फ्रंट है, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपको थिन पार्ट लग रहा है, जैसे मुझे ये पार्ट जो है ना वो थिन लग रहा है कंपैरेटिवली, यहाँ से थोड़ा हैवी है, तो मैं इस वाले पार्ट को फ्रंट पार्ट या टिप लीफ की टिप में यहाँ बना लूँगी, ठीक है, लाइक दिस। और जब मैंने यूँ उठाया इसको, अब मैंने हाथ नहीं लगाना क्योंकि जब आप हाथ लगाएंगी तो आपकी ये जो एजेस हैं, ये जो शार्प एजेस हैं, ये ख़राब हो जाएंगी। मैंने दूसरे नाइफ से इसको यूँ रख लिया, लाइक अगर मेरे पास ये फ्रंट है लीफ का, और यूँ इसको मैं शेप दे देती हूँ। शेप देने के लिए आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक लीफ स्ट्रेट होता ही नहीं, इसमें थोड़े बहुत कर्व्स होते हैं और एज भी थोड़ा सा एजी होता है, थोड़ा सा टिप होती है लीफ की, टिप आपने बनानी है, आप इसकी टिप बना लें, उंगली से कर लें, ब्रश से कर लें, किसी भी चीज़ से कर लें, ठीक है। यूँ आपके पास ये लीफ सेट हो गया, और आप ये देख लें कि मेरे पास सेम पेस्ट है, उसी पेस्ट से मैंने आई डोंट नो कितने मिनट्स हुए हैं मेरे पास, इतने मिनट में ये मैंने बना लिया। आपको दिन में कम से कम एक घंटा या दो घंटे, जितना मैक्सिमम आप टाइम इसकी प्रैक्टिस को देंगी आपका काम उतना ही अच्छा होगा। नहीं देंगी तो काम आपका, आपको प्रैक्टिस ही नहीं होगी इस सिलसिले में। ये कल मैंने ट्राई किए थे लीफ वाइट से ही, पहले मैंने प्रैक्टिस की थी थोड़ी सी, मैंने कहा मैं चेक करके आपको बता देती हूँ। ये वो पेटल की शेप थी और ये लीफ थी, मैंने पेपर पे बना लिया था विश ड्राई करने के लिए। ये लीफ है, ये हार्ड हो गया हुआ है, अच्छा खासा ये हार्ड है। ये मेरे पास पेटल है, लाइक मैंने कलर कोई नहीं डाला था, वैसे ही मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर प्रॉब्लम आ रही है गर्ल्स को तो क्यों आ रही है, तो इसमें ऐसा कोई वो है ही नहीं, मुश्किल चीज़ है ही नहीं है, बिल्कुल आसान सा काम है। बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस ध्यान दें, अपना टाइम दें इसको, इसको टाइम नहीं देंगी तो ये चीज़ आपको कभी भी नहीं आएगी। इसको काफ़ी टाइम चाहिए, सिर्फ वीडियो देख के काम नहीं होगा, इसको आपको कम से कम दिन में एक से दो घंटे प्रैक्टिस करनी है,
एक बीफ को 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, अभी मैंने बनाया है ना, अब मैं इसको दोबारा से यूज़ करूँगी। मैं ये नहीं करूँगी कि मैं नई पेस्ट खोलूँ। अगर मैं, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी हार्ड हो गई है, इसी की प्रैक्टिस के लिए, इसी को मैं प्रैक्टिस के लिए यूज़ करूँगी और थोड़ी सी मैं पेस्ट ऐड कर लेती हूँ। ये सॉफ्ट उसी अपनी शक्ल पे वापस आ जाएगी, दोबारा से वही पेस्ट बन जाएगी, इसकी मैं दोबारा प्रैक्टिस कर लूँगी। अच्छा, जो वाइन लीव्स है ना, जिसमें वाइन्स आ रही है, ये तो हो गया ना बेसिक लीव या सिंगल स्ट्रोक लीव। जैसे मैंने आपको बताया था, सिंगल स्ट्रोक लीव में आपकी दोनों साइड्स यहाँ से भी और यहाँ से नीट होगी, उसके बाद आप यहाँ पर सिंगल स्ट्रोक लगाएंगी। ऐसे आपने घुमा के उठाना है इसकी, उसके घुमा के उठाने से आपने इसको दबाना नहीं है। लाइक आपने इसको नाइफ को, मैं दोबारा बताती हूँ आपको, ऐसे नहीं उठाना, ऐसे नहीं उठाना, आपने इसको ये नीट करके अच्छी तरह से इसको साफ करके ऐसे उठाना है। जब आप इसको इस उठा गुलाई में उठाएंगे तो आपका क्या होगा, ये लीफ जो है ना फ्रंट से उठा हुआ होगा यहाँ से, ठीक है ना, जैसे ये मैंने बनाया। इसके बाद क्या करना है आपने, इसी लीफ को ये देखें, आपको लगता है ये आगे से पतला होना चाहिए, आप इसको पिंच कर लें, पिंच हो गया, पतला हो गया, और इसको इसको साफ साफ करें नाइफ को, और बीच में अगर आप इसको लाइन देना चाहें तो आप इसमें यूँ स्ट्रोक लाइन दे दें। ये आपके बेसिक लीफ हो गए, इसको आप ब्रश से नीट कर लें, ठीक है, साइड्स को उठा लें, साइड्स को नीट होना चाहिए बिल्कुल, यहाँ से आप इसको स्ट्रोक्स को सारा क्लीन कर लें। ये आपका सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक। अब मैं वाइन्स वाला लीफ दोबारा आपको बताती हूँ कि उसमें वाइन्स में क्या प्रॉब्लम लड़कियाँ ज़्यादातर कर रही हैं, उसमें ये इशू आ रहा है। ये मैं वही नंबर ब्रश यूज़ करी जो आपके पास है, मैंने ये साइड पहले नीट की ऐसे, उसके बाद इसमें मैंने मज़ीद पेस्ट ऐड की। पेस्ट ऐड करने से ये इतना एरिया एक्सटेंड आउट हो जाएगा, इनके हिस्सा बाहर निकल आएगा। इस तरह मैं इसको यहाँ पर ऐसे मैंने इसको खड़ा किया और ऐसे उठा लिया। लाइक अगर मैंने ऐसे लीफ बनाया तो फिर मैंने इसको खड़ा करके साइड से एक्स्ट्रा निकाल लिया, ताकि मेरे पास जो है ना यहाँ से स्ट्रेट लाइन आ जाए। इसी तरह से इसको आपने हर दफ़ा, अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको लग रही है जैसे फाइबर है, तो आपने इसको साफ करते जाना है अपने हाथ से या ब्रश से, किसी भी चीज़ से। इसके बाद अगर मैंने इसको ऐसे गिराया तो मैं ऐसे नहीं ले जाऊँगी, ऐसे नहीं लेकर जाऊँगी, ऐसे ले, जब मैंने इसको गिराया तो इसको मैंने नाइफ को यूँ खड़ा करके एक्स्ट्रा निकाल लिया साइड पे, ठीक है। इस तरह से इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के लिए मैं दूसरी नाइफ यूज़ की है ताकि ये इसके ऊपर आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो पेस्ट है वो नीट नहीं आ रही, तो आप ब्रश ले लें, उससे लीफ को नीट कर लें, इसको साफ़ करें नाइफ को। गंदी नाइफ आपने ये लगी हुई, अगर पेस्ट लगी हुई नाइफ लगाएंगी तो वो पेस्ट जगह जगह लग के उसकी, अगर ये भी इतना हिस्सा भी लगा हुआ है तो आपके लीफ को ख़राब करने के लिए काफ़ी है। आप इसको वेट क्लॉथ से साफ करें, इसको शेप दें लाइक दिस, और इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है, लाइक दिस। वाइन्स देने का क्या तरीका है, ये नहीं करना कि आपने इसी लीफ में कोई ढेर सारी वाइन दे दें, कि शेप आपकी लीफ की परफेक्ट होनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा लगता है उसको उतार दें। अब इसकी जो शेप का अपने हिसाब रखने लीफ की, वो मैं आपको और जूम करके बताती हूँ कि वो कैसे करनी है। अच्छा, सेंटर से शुरू करना है, मैं नाइफ को पहले साफ कर लूँ। अच्छा, ये सेंटर से शुरू करना है और साइड पे आना है लाइक दिस, ठीक है, इधर से शुरू करें, यानी कि सेंटर वाइन से शुरू करें और यहाँ तक आ जाए। ये आपकी टू लेफ्ट साइड पे हो गए, इसको आप टर्न करें और इसी के पैरेलल दे दें, यूँ राइट पे आ गए, इसी तरह से ये राइट पे आ गए। बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, दो या तीन, दैट्स इट, इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी इसके ऊपर। इसको आप नीट करें, इसको जब आप यहाँ से नाइफ को उठाएंगी ऑटोमेटिकली जो आपके सेंटर है ना वो लाइन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। इस तरह से आप इसको यहाँ पर रख लें, और इसको उतारने का तरीका ये है कि मैंने यहाँ पर नाइफ रखी, लाइक मेरी ये प्लेसमेंट है इसकी। अगर आपको प्लेसमेंट लगती है कि मैंने इस डायरेक्शन में रखना है तो आप अपनी बेस को घुमा लें, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यूँ रखना चाह रही हूँ, आपने ऐसा नहीं करना कि अपने हाथों को घुमा रही है, आप कोशिश करें कि आप अपने बेस को घुमा लें,
लाइक अगर मैंने इसी की प्लेसमेंट इस तरह से मैंने रखना है, तो जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैंने इसको रखना है, लाइक इस लीफ का टिप स्टार्टिंग पॉइंट इस लीफ के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ हो, तो मैं इसको यूँ रख के दूसरी नाइफ से हल्की सी सपोर्ट देके, ताकि आपकी लीफ की शेप ना खराब हो, इस नाइफ को आराम से मैं निकाल लूँगी लाइक दिस, ठीक है। ओके, अब मैं अगर इस लीफ को शेप दे दूँ, लाइक अगर देखें ये मेरी यहाँ पर नाइफ लगी यहाँ पे अगर मेरी नाइफ लगी थी, तो यहाँ से थोड़ी सी पेस्ट क्रम्बली होगी। इसको मैं, ये थोड़ा सारा वेट है ब्रश, इसको यहाँ से इसको स्मूथ कर लूँगी। इसको अगर मैंने थोड़ी सी शेप देनी है, लाइक कर्ल्स देने हैं, क्योंकि लीफ में कर्ल तो होते हैं, स्ट्रेट लीफ तो होता नहीं है, इस तरह मैं इसको शेप दे दी, थोड़ा सा हाफ डाउन कर दिया, और ये आपका लीफ हो गया। चलो पेटल का भी वही तरीका है और लीव्स का भी वही तरीका है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको अभी भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो आपको मैं दोबारा से लेसन दे दूँगी, लेकिन प्लीज़ ये आपको एक दिन में या एकदम से नहीं आएगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, आप उतनी जल्दी सीखेंगी। दो बेसिक, एक ही बल्कि बेसिक स्ट्रोक है, राइट साइड स्ट्रोक और लेफ्ट साइड स्ट्रोक। उसी राइट और लेफ्ट से लीफ बन रहा है, उसी राइट और लेफ्ट को ज़्यादा पेस्ट ऐड करके पेटल बन रही है, उसी राइट और लेफ्ट को मिला के हम लीफ बना रहे हैं, और उसी राइट और लेफ्ट को मिला के हम वन बिग पेटल भी बना रहे हैं, जो एंड पेटल्स होती हैं। लाइक अगर इसी के साथ मैं इसका राइट पार्ट ऐड कर लूँ यहाँ पर इसी पेटल का, तो मेरे पास एक बड़ी जंबल हैवी पेटल बन जाएगी, जो बड़े फ्लावर्स के लिए या एंडिंग फ्लावर के लिए वो चाहिए होती है। लिहाजा ये लेसन आप गौर से देखें, इसको बार बार देखें, मेरे लेसन को प्ले पॉज करके आप प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, और मुझे आप बताएं कि आप कितना घंटे प्रैक्टिस कर रही हैं। अगर आप समझ रही हैं कि मैं 5 मिनट या 10 मिनट में प्रैक्टिस कर रही हूं, तो ऐसा नहीं होगा। मुझे पूरा पूरा दिन लग जाता है एक फ्लावर को बनाने में। शुरू में, अब तो हर प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन जब मैंने सीखा, सेल्फ टॉट है ऑब्वियसली, मैंने सिर्फ तस्वीरें देख के पहले सीखा, क्योंकि मुझे तो पहले वीडियो स्ट्रोक्स की भी नहीं आती। अब तो वीडियोज़ आना शुरू हो गए हैं, रशियन आर्टिस्ट सिखा भी रही हैं ऑनलाइन, और वो वीडियोज़ यूट्यूब पर भी दे रही है। पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था, सिर्फ स्ट्रोक्स को देख के मैंने ये करना शुरू किया था काम, और मुझे तकरीबन एक हाफ रोज़ बनाने के लिए पूरा दिन लग जाता, 4 से 5 घंटे कंटिन्यूसली मैं बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर रही थी। लिहाजा जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बेहतर है। थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ पूछना है, तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए।